नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, और इस समय हम हैं गोरखपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में। और आज जो है नामांकन जो है राजेश त्रिपाठी जी ने चिल्लू पार से किया है, उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और इस बार की लड़ाई उनके लिए कितनी कठिन है। सर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? चिल्लू पार के चतुर्दिक विकास, चिल्लू पार के स्वाभिमान, भय मुक्त दबंगई मुक्त चिल्लू पार, और सांस्कृतिक मोदी और योगी के सपने का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में हैं। वहाँ के बसपा के जो समर्थक हैं, उनसे हमारी आपके क्षेत्र में गए थे, उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि जो भी विधायक होता है यहाँ बसपा से होता है, आप बसपा छोड़ के चले गए तो आपकी भी कुर्सी चली गई, और इस बार जो वर्तमान विधायक हैं वो भी बसपा छोड़ के चले गए तो उनकी भी कुर्सी चली गई। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पीछे आपको जाना होगा। बिल्कुल, बसपा इधर 3 बार से हो रही है, लेकिन उसके पहले वहाँ पे कांग्रेस के भी लोग होते रहे हैं, वहाँ और भी लोग होते रहे हैं। परिसीमन के बाद की बात कह रहे हैं कि परिसीमन में ऐसा वहाँ समीकरण है कि बसपा ही जीतती है। तभी तो बात वहाँ की जनता कह रही है कि चिल्लू पार इस बार इतिहास लिखेगा, चिल्लू पार में कमल खिलेगा। किन मुद्दों आपने बताया अभी जो आपके मुद्दे हैं, कितनी किससे आपकी लड़ाई किससे है? आज की तारीख में मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, जनता एकदम उतावली है। मोदी योगी जी ने जो विकास के काम किए हैं, माफियाओं और गुंडों पर जिस तरीके से नकेल कसी है, बुलडोजर उनके माफियाओं पर चला है, और उस तरीके से जिस तरीके से समाज के लिए सभी वर्गों के लिए मोदी योगी ने काम किया है, 24 घंटा बिजली दिया है, एम्स को हमारी चौकट पर ले आकर रखा है, इन सारे विकास कार्यों को लेकर के जनता मन बना के बैठी है। दलीय मान्यताएं टूटने जा रही हैं, और वहाँ पर चिल्लू पार में 3 तारीख को जनता उतावली है कि जल्दी 3 तारीख आए, कमल के बटन पर बटन दबाएं ताकि चिल्लू पार से कमल खिलाए। लेकिन आपके विधानसभा के लिए जो गोरखपुर से मुख्य सड़क जो जुड़ती है, हाँ, वो आज भी खस्ता हाल है, आज भी नहीं, जो नहीं है, नहीं, नहीं है, हाँ, कभी थी हाँ, आज नहीं है, और वो काफी सड़क हद तक सड़कें बन चुकी हैं, 4 लेन हो चुका है, उसमें मार्च तक की अंतिम मुख्यमंत्री जी ने अंतिम जो गाइडलाइन दिया है जो मार्च में पूरा हो जाएगा। अंतिम तिथि कई बार घोषित हुआ और कई बार बन रहा है, बिल्कुल होता है, वहाँ कुछ तकनीकी चीजें रही है जिसके नाते नहीं हो पाया था, लेकिन काफी हद तक सड़क अब बन चुकी है, थोड़ी सी जो बची है मार्च तक वो भी पूरा हो जाएगा। कितनी सीटें आप लोग प्रदेश में ला रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, और जब उन्होंने 2014 में कहा था कि जो है बीजेपी यहाँ पे 2-3 सीट छोड़ करके पचपुरी की पूरी सीटें जीतने जा रही लोकसभा की, जीते हम लोग। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब 2019 में कहा था कि सारे के सारे गठबंधन हो जाए, जो बच्चे कुछ वो भी कर लें, लेकिन भाजपा जो है यहाँ बड़े पैमाने पर जीतने जा रही है, तब भी जीते। 2017 में उन्होंने कहा था कि हम 300 के पास जा रहे हैं, वो भी उनका पूरा हुआ। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अगर कह दिया है कि 300 के पास जा रहे हैं, तो जब चिल्लू पार जैसी सीट पर पहली बार कमल खेलने जा रहा है, तो मुझे लगता है हम 300 के पास 100% जा रहे हैं। ये विनय शंकर तिवारी जो अभी वर्तमान विधायक हैं, वो बसपा छोड़कर सपा में आए हैं, इससे आपके ऊपर मतलब आपके चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चिंत रहिए, चिल्लू पार इस बार मन बना चुका है, 10 तारीख को जो वर्तमान है वो भूत हो जाएगा, जो भूत है वो वर्तमान हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।